नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ आलोक। राहुल गांधी ने यूपी में चौंकाने की बात कही थी। प्रियंका गांधी को कांग्रेस में महासचिव बनाकर उन्होंने सरप्राइज तो दे दिया। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, यानी अब प्रियंका गांधी का सीधा सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगा। बीजेपी के ये दोनों दिग्गज नेता पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैसे तो पर्दे के पीछे वो हमेशा सक्रिय रहती थी, लेकिन कांग्रेस नेता कार्यकर्ता लंबे समय से उन्हें कांग्रेस में एक्टिव रोल देने की बात कर रहे थे और आज उनकी भी मांग पूरी भी हो गई। प्रियंका की एंट्री से यूपी में कांग्रेस को एक बड़ा चेहरा मिल गया जिसे उसे दरकार थी। कांग्रेस ने प्रियंका को फेस बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला तो बीजेपी ने कहा कि प्रियंका कार्ड नाकाम होता रहा है और इस बार भी नाकाम ही साबित होगा। अब सवाल उठता है, क्या प्रियंका यूपी में कांग्रेस के अच्छे दिन ला पाएंगी? सूबे में खोई सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस के लिए प्रियंका का आना क्या संजीवनी साबित होगा? और क्या प्रियंका कार्ड से बीजेपी और सपा बसपा गठबंधन का गणित बिगड़ सकता है? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। तो हम बात करेंगे प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के क्या मायने हैं, इससे यूपी की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो शायद जरूरी भी हैं आज के समय में, बड़ी बहस से भी ज्यादा जरूरी, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करती है। दरअसल लाइव टुडे के शो 2019 का किंग कॉन की रिकॉर्डिंग चल रही थी। आपका चैनल सभी दलों को स्वस्थ बहस कर प्लेटफॉर्म देता है, निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखने का मौका देता है, लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किस कदर अपनी मर्यादा भूल गए। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं, शो के शूट के दौरान राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। जरा तस्वीरें देखिए। हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसके बाद भारी तादाद में पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से मामले को जाकर के शांत कराया। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ऐसे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मारपीट पर कैसे आमादा हो जाते हैं। तो लाइव टुडे का शो 2019 का किंग कॉन बाराबंकी में इस शो का आयोजन किया गया था। पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लोग आए, लेकिन आपस में स्थिति किस तरीके से विकराल हो गई, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जब एक तरफ हम स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन ये कौन सी तस्वीर है? और पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि इस तरीके की तस्वीरें कुछ ज्यादा ही सामने आ रही हैं। तो लाइव टुडे के शो में भिड़े कार्यकर्ता। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमारे शो हुआ था बाराबंकी में, उसमें लाइव टुडे के शो 2019 का किंग कॉन, जिसमें यह तस्वीर सामने आई। लेकिन आखिर यह तस्वीर, ऐसे हालात क्यों बन गए, इसके पीछे क्या कुछ सवाल थे, क्या कुछ वजह थी, जरा सबसे पहले हुए मेहमानों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम बात करेंगे प्रियंका के कार्ड की भी। लेकिन सबसे पहले आज हम इस जो तस्वीर की जो बात करेंगे, जो लाइव टुडे का जो शो था उसके दौरान जो हंगामा बरपा। सबसे पहले आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से कुमार अशोक जी हैं। कुमार अशोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता रफत फातिमा जी हैं। रफत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और प्रसपा से के शर्मा जी हैं, जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज भी रह चुके हैं। के जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा जी भी आज हमारे साथ हैं। नवल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी चीज़ों को आपसे जानेंगे और समझेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे तेज तर्रार संवाददाता लाइव टुडे के राजवीर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। राजवीर जी नमस्कार, स्वागत
करूंगा। और लेकिन स्वागत के साथ ही मैं सबसे पहले पूछूंगा कि आप और हमारी लाइव टुडे की टीम जो शो के दौरान हुआ, सब पहले तो सब ठीक ठाक है ना राजवीर जी? बिल्कुल आलोक जी, देखिए सब ठीक ठाक है, लेकिन जो तस्वीरें हम लोग अपने चैनल स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें ऐसी हैं कि जो वहाँ के आम लोगों ने जो उस समय थे, उस दौरान कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से शूट कर लिया था, केवल वो तस्वीरें हैं। असल में इससे भी ज्यादा भयानक स्थिति वहाँ पे थी, आप समझिए। राजवीर जी, हुआ क्या, शुरुआत कैसे हो गई अचानक? देखिए, अब इस समय आप जब भी डिबेट पे, आप आउटडोर डिबेट पे जाते हैं आलोक, तो एक बड़ी, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो जो राहुल के समर्थक हैं, मोदी के समर्थक हैं, अखिलेश के समर्थक हैं, ये सब ऐसे समर्थक हैं जो बिना किसी बात को समझे वो सीधे अपने नेता की पैरवी करने लगते हैं, अपने नेताओं के नाम पे नारे लगाते हैं। और जब सामने, और जब स्थिति ऐसी होती है कि आमने सामने अगर अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो एक दूसरे पर जब आरोप लगाते हैं, नारे लगाते हैं, तो ऐसे दौरान ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग आपस में भिड़ जाते हैं। आप देखिए कि हमारे रिपोर्टर जो बाराबंकी के, हमारे वो भी काफी तेज तरार रिपोर्टर है सतीश कश्यप, उन्होंने बाकायदे पुलिस से परमिशन ली थी, एसपी ने परमिट किया था प्रोग्राम को लेकर, और बाकायदे वहाँ फोर्स भी मौजूद थी। फोर्स की मौजूदगी में जिस तरह से जो सपा, बसपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, ये एक बहुत ही शर्मनाक था। मैंने बताया, तो क्या कुछ ऐसा सवाल आपने पूछा था या उनको कोई बात नहीं अच्छी लगी? मामले ने इस कदर तूल कैसे पकड़ लिया सर? देखिए, सवाल तो लाजमी है, सवाल तो वो होंगे विकास को लेकर होंगे कि भाई अगर जो भी मौजूदा प्रतिनिधित्व है वहाँ का, जो प्रतिनिधि है अपने जिले का, अपने क्षेत्र का, उसने विकास को लेकर क्या काम किए, ये सवाल लाजमी है। सवाल सब यही सब हो रहे थे, लेकिन सवाल से भी ज्यादा इतर बात वो थी कि मैंने बताया कि अपने अपने नेताओं को लेकर लोग इतने पजेसिव थे कि लगातार पहले नारे लगाते रहे और फिर आपस में वो भिड़ गए, और इस कदर भिड़ गए कि उन्होंने न केवल गाली गलौज की बल्कि मारपीट भी की। तो अपने आप में ये शर्मनाक है, शर्मनाक इसलिए भी है आलोक जी कि जिस तरह से लगातार आप देखिए कि जो भी डिबेट, आउटडोर डिबेट होती है, ऐसे तो धीरे धीरे मनोबल हम लोगों को गिरता जा रहा है, क्योंकि लोगों तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग मानते नहीं है, लोग इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे उनका ही नेता सबसे बड़ा है। बिल्कुल, और ये अक्सर हम ये ब्रेकिंग न्यूज भी पढ़ते हैं कि दोनों पार्टियों के समर्थक या कई पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। मैं जरा, जो हमारे साथ कुछ प्रवक्ता भी हैं पार्टी के, मैं उनसे भी सवाल करूंगा। रफत जी, कार्यकर्ता अपने नेताओं से ही सीखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि अगर विचारों में मतभेद हो भी लेकिन कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। जो आज स्थिति है वो बहुत ही भयावह दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम पूरी पूरे जिस तरीके से अभी आपके रिपोर्टर बता रहे कि वहां पे ऐसा माहौल बन गया कि कुछ भी हो सकता था, तो ये हमें लगता है बहुत शर्मसार कर देने वाली है। शर्मसार करने वाली है, अच्छा है आपने अपनी बात रखी, लेकिन इस तरीके की प्रवृत्ति आखिर क्यों पनपती है ये जो चुनाव के पहले? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, चाय वाला, नीच और ये सब तो नहीं, कार्यकर्ता किससे सीख रहे हैं? कहीं समान से ही सीख रहे हैं ना आलोक जी? लगातार जिस तरीके से हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाह रहे हैं, लेकिन अगले 4.5 साल में आप देखिए आज ये प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है। एक भीड़ ने पूरे देश पे कब्जा कर रखा है, जो कहीं पर भी किसी को मारने पे उतारू हो जाती है और नारेबाजी करने लगती है, चाहे वो कोई भी दिन हो, चाहे आप 26 जनवरी दे रही है, 15 अगस्त देख लिए, एक अजीब सा हुड़दंग मचा रखा है। जो सड़क पे माहौल बनता है तो आम आदमी भी एकदम से डरने लगता है कि ये क्या माहौल है। तो आज जो स्थिति बनी है वो युवाओं में एक अजीब सा उद्दंडता वाली स्थिति है। अच्छा जी, आप चूंकि आप तो बाहर ये शो करते हैं, आज जो वहाँ स्थिति हुई उसमें कांग्रेस का भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि देखिए जो मेन मारपीट हुई वो कांग्रेस के जो तनुज पुनिया है, जो वहाँ के संभावित उम्मीदवार हैं, उनके समर्थक भी थे। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ उन्हीं की बात थी, तो कहीं ना कहीं जब संयम की बात होती है तो चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या किसी अन्य दल के नेता हो, वहाँ किसी ने कोई संयम नहीं दिखाया, किसी ने कोई, बकायदे जो बड़े लीडर्स थे वो अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने में लगे रहे। ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। कुमार अशोक जी, जिम्मेदारी आपकी भी पार्टी की है, किस तरीके से आप लोग भी, क्या भी अभी जो देखा कि साधना जी ने किस तरीके से बयान दिया, बयानबाजी होती है फिर यही चीजें धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिवर्तन लाती है। आलोक जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को संयम बरतना चाहिए और ये बहुत निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है, अपने संस्कार के लिए जानी जाती है, तो अनुशासन और संस्कार का संगम कार्यकर्ताओं को भी रखना चाहिए। लेकिन एक विषय मैं जरूर कहना चाहूँगा कि राजनीतिक ह्रास कब पैदा हुआ? जब इस देश में एक व्यक्ति कहता है कि भारत माता डायन है और उसको पॉपुलरिटी मिल जाती है, दुनिया जान लेती है ये व्यक्ति कौन है। कोई कहता है कि गांधी शैतान का बच्चा है, कोई कहता है कि तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार, उसके बाद जनता कहती है ये औरत कौन है, ये महिला कौन है,
उधर उसकी पॉपुलरिटी बढ़ती है। तो जो नेगेटिव पॉपुलरिटी है वो आप देख रहे हैं कि ऊपर से ही चलती है। मैं आपकी बात की चर्चा करता हूं कि ऊपर के नेताओं को संयम बरतना चाहिए, ज्यादा दूसरा अगर वार करेगा, वार पलटवार, तो मुझे लग रहा है कि नैतिकता राजनीति में शुरुआत कहां से होगी? कोई तो स्वस्थ लोकतंत्र की शुरुआत करेगा कम से कम। सर, आप लोगों की जिम्मेदारी तो ज्यादा बनती है। बिल्कुल जिम्मेदारी है और कार्यकर्ताओं को संयम बरतना चाहिए पूरे तौर पर। लेकिन अगर नेता भी इस बात का ध्यान रखें कि वो अपशब्दों का प्रयोग ना करें। अब चौकीदार चोर है, खुला उन्होंने एक नारा दे दिया है, जहां होता है वहां वो चोर है, तो वो कार्यकर्ता सर यहां पर आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने क्या कुछ कहा? नेता जी ने रिसेंटली उदाहरण है, पूरा सोशल मीडिया पे आदर्श बढ़ते किया जा रहा है। आप लोगों ने क्या इससे महिला के लिए सवाल करते हैं? किसी महिला के लिए आप जो है विधवा जैसे लव, नेता संयम नहीं बरतेगा, पीएम ऐसी बातें कर रहा है, आप लोगों की तो पार्टी जिम्मेदारी की कहा, ये क्या आप लोगों आज स्थिति बहुत खराब है। कभी आप लोगों की तरफ से कोई बोर्ड एक्शन लिया गया? वो तो खुद ही जब कार्रवाई की डर से उन्होंने माफी मांग ली। नहीं, उनके ऊपर एक्शन लिया गया जी, ये बात आप तक नहीं पहुंच पाई होगी। वैसे आप बड़े पत्रकार हैं, उनके पार्टी से बाहर का रास्ता तो देखते हैं। नहीं, बाहर का रास्ता दिखाने की बात नहीं थी, लेकिन उनके विरुद्ध जो है ये कारण बताओ नोटिस जारी होता है। देखिए, कोई भी पार्टी है उसका एक अपना तौर तरीका है, जब कारण बताओ नोटिस उनको ये बहुत बढ़िया तरीका निकाला कुमार अशोक जी ने, कि पहले आप बयान दे दो, फिर बहुत ज्यादा हो कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया और बहुत ज्यादा कुछ माफी मांग लो। एक्शन भी तब लिया जाता है जब एक पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, मीडिया का प्रेशर पड़ता है। अगर उन्हें अपने कहे हुए शब्दों पे खेद था तो वो पहले ही उन्होंने माफी क्यों नहीं मांग ली? यानी कि जब पार्टी के आला कमान हाई कमान नेता कहते हैं उनको, तो उनके इशारे पे काम होता है। केके जी से हम बात करेंगे। केके जी, आपने जो पूरी तस्वीर देखी, जो किस तरीके से एक सवाल पर आखिरकार जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी था, भड़क गए, आखिर आप विपक्ष में है, सरकार में है, जवाब तो देना ही होगा आपको, विकास कार्यों को लेकर के सवाल तो पूछेगी जनता ना जी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वाकई में 4-5 साल में ज्यादा होता जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है और मैं इस मंच के माध्यम से भी कहूंगा, इनके बैटर सबके, जहां भी दंगा होता है, जहां भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, अनुशासन समिति को रेफर हो। और मैं कुमार अशोक जी का सम्मान करते हुए इनसे ये भी पूछूंगा एक बार, आपने कह दिया कि अनुशासन समिति को गया, इन्हें नोटिस दिया, कारण बताओ, बताइए कौन से अखबार में आपने पब्लिकेशन कराई इस विज्ञप्ति को कि नोटिस दिया हमने, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, मैं प्रसपा में हूँ, लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात कहता हूँ। देखिए, मणिशंकर अय्यर और इस तरह के कई नेता, छोटे नेता, जब भी कोई गलत बयान देते हैं फौरन पार्टी की तरफ से उन्हें निकाला जाता है, फौरन उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, फौरन विज्ञप्ति देते हैं, अखबार में आता है जी। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, तब ये घटनाएं रुकेंगी। चलिए, लेकिन कार्रवाई हो उससे पहले इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि इस तरीके की नौबत ही ना आए कहीं ना कहीं आप किस तरीके की बदजुबानी कर रहे हैं। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी के पास आ रहा हूं। नवलकांत जी, जो बयानबाजी हुई, किस तरीके से बदजुबानी हुई और मामले ने किस कदर तूल पकड़ा, सब चीजें हमने अपने दर्शकों को दिखाई और ये लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। और राजवीर जी खुद चूंकि ये शो ऑर्गेनाइज करा रहे थे, होस्ट थे, एंकर थे, रिपोर्टर थे, वहां पर सब कुछ काम संभाल रहे थे, पूरी टीम गई हुई थी। सर, ये जो बिलो द बेल्ट, मैंने इसीलिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, बिलो द बेल्ट का कल्चर अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है सर। देखिए, मैं पहले तो जो घटना हुई इसकी निंदा करता हूँ और सभी दलों से अपील करता हूँ कि जो इस तरह के अराजक कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि अभी देखिए चुनाव का माहौल हो रहा है और ये धीमे धीमे बढ़ेगा, और अगर इस तरह के वारदातें लगातार होती रहीं तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी संकट है और उन पॉलिटिकल पार्टीज के भी संकट है जो टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को जनता के सामने रखती हैं। राजवीर जी को एक लंबे अरसे जानता हूँ, उनके संग मैं कवरेज भी करता रहा हूँ और बहुत सुलझे हुए संयमित पत्रकार हैं, और इनके कार्यक्रम में अगर इस तरह का बवाल हो जाता है तो समझा जा सकता है कि माहौल किस कदर खराब होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह की भाषा असंयमित हुई है, जिस तरह के एक दूसरे के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और जिस तरह से शारीरिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से कार्यक्रम में चिल्ला चिल्ला के हाथ बढ़ा बढ़ा के जो प्रवक्ता लोग भी बोलने लगे हैं, प्रवक्ताओं में भी, बड़े बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में भी आप सुने होंगे कि कई बार झगड़े हुए हैं,
हैं, तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत खराब है। और ये प्रवृत्ति नहीं बंद होगी तो टीवी चैनल्स का कम नुकसान होगा, हमको तो तमाशा दिखाना ठीक है, हम तमाशा दिखा देंगे, एक आध कैमरा टूटेगा, लेकिन ये जो हमारे राजनेता हैं जिनसे पूरा देश उम्मीद लगाता है कि ये देश को विकास के पथ पे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, वो अगर इस तरह से अराजकता करेंगे तो निश्चित रूप से बेहद शर्मनाक। नवल कांत जी ने कहा, राजवीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं नवल कांत सिन्हा जी, आपकी सदी हुई, आपकी निष्पक्ष, आपकी निर्भीक पत्रकारिता के वरिष्ठ पत्रकार भी कायल हैं, और उन्होंने कहा कि वो शो को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, उनके सवाल भी ऐसे होते हैं जो किसी को चुभ नहीं सकते, और बहुत सारी चीजें उनमें सवालों में गहराई होती है। लेकिन सवाल राजवीर जी एक ये है कि इस तरीके के शो में जब ऐसी चीजें होती है ना, तो जो राजनीतिक दल है ना, वो हम मीडिया वालों पे सवाल उठा देते हैं, कहते हैं ये जो डिबेट कराते हैं आप लोग, जो लड़वाते हो ना, ये सब टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हो, क्या ऐसी कोई बात थी? क्योंकि अब सबके जहन में ये भी चल रहा है। बिल्कुल आलोक जी, देखिए नवल जी हम लोगों के सीनियर हैं, इन लोगों को देख के, नवल जी जैसे लोगों को देख के हम लोगों ने सीखा है, आगे बढ़ा है। लेकिन ये अगर इस तरह की बात कोई कहता है तो जाहिर सी बात है, अगर ठीक है हम अगर प्रोग्राम करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा एग्रेशन हो, थोड़ा सा लोग नाराज हों, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप हाथ पैर छोड़ देंगे, आप गाली गलौज पर उतर आएंगे। अगर इसमें हम आगे बढ़ते भी हैं तो आप पॉलिटिकल लोग हैं, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और मैंने बताया कि ये प्रोग्राम जो 2019 का किंग कौन है, इस प्रोग्राम को लेकर पहले से सब कुछ डिसाइड था, बाकायदे एसएसपी को नोटिस दी गई थी इसके लिए, उनसे एक तरह से आप देखिए उनकी अनुमति ली गई थी, बाकायदे फोर्स वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जिस तरह से जो वहाँ पर बड़े लीडर्स थे, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों या फिर कांग्रेस के रहे हों या भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, लगातार ये लोग जो है अपने कार्यकर्ताओं को, एक आप देखिए जब वो लोग उग्र होते रहे तो कतई समझाने की कोशिश नहीं की, जबकि होना ये चाहिए था कि ठीक है वो आपके साथ ही आए हुए लोग थे, आपको समझाना चाहिए था जी। किसी ने कोई कोशिश नहीं की और स्थिति नौबत यह आ गई। मैंने बताया आलोक जी कि ये विजुअल जो है वो विजुअल ऐसे हैं जो वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने जो विजुअल्स बनाए अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए वो विजुअल भेजे हैं, और सत्यता तो ग्राउंड पे कुछ और थी। लोगों के साथ जबरदस्त मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, अपने आप में ये शर्मनाक है। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो जाहिर सी बात हम लोग 10 बार सोचेंगे बाहर जाने में कि हम बाहर के प्रोग्राम करें कि ना करें। तो सोचना चाहिए ये कि लाइव टुडे तो एक मंच दे रहा है अपनी बात रखने का। जो तस्वीरें थी उस वक्त की, राजवीर जी हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाएंगे, मैं अपने पीसीआर सहयोगी अनिल से कहूंगा फुल स्क्रीन जरा वो तस्वीरें दिखाएं विद एम्बियंस। तो चैनल सभी दलों को एक स्वस्थ बहस का प्लेटफॉर्म देता है। हालत कैसी होगी ये शायद मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पूरा का पूरा जो पुलिस महकमा था वो भी वहां पर मौजूद था, लेकिन कार्यकर्ता किस तरीके से भेड़ रहे थे, लेकिन राजवीर जी ने किस तरीके से मैनेज किया। नवल जी, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कैसे मर्यादा भूल जाते हैं, ये तस्वीरें खुद देखी कि शो के शूट के दौरान राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसका मतलब तो ये है कि इन राजनेताओं से, इन राजनीतिक दलों के नेताओं से आप कोई विकास का सवाल नहीं कर सकते, उनसे आप अपनी चॉइस का सवाल करिए। देखिए आलोक जी, अभी एक आपने प्रश्न पूछा था राजवीर से कि जो एंकर्स है उकसाते हैं, निश्चित रूप से थोड़ा बहुत उकसाते हैं, उस वजह से उकसाते हैं कि बात पूरी आ सके। भाई ये आप, नमक आप, भी तो जरूरी होता है। आप देखिए ना कि इस समय जो मीडिया है बहुत ज्यादा उदार है। एक दौर था 10-15 साल पहले, बहुत ही कड़वे, बहुत ही जो खतरनाक प्रश्न पूछे जाते थे, और बड़े से बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोग इसका जवाब देते थे। अब तो मीडिया बहुत उदार हो गई है और बहुत संयमित तरीके से काम करती है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह की ये वारदात हुई है, जिस तरह की घटना हुई है, ऐसे में भीड़ का देखिए मूड नहीं होता, भीड़ पता नहीं कब क्या हो जाए उस समय, और इस तरह के चीजों से पॉलिटिकल पार्टीज को सबक लेना चाहिए। और तीन तीन प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं तो कहूंगा कि रफत जी, जैसे कल ही की बात थी, डिबेट हम कर रहे थे कल ईवीएम को हैक को लेकर के जो खुलासा हुआ, अब हमने एक प्रवक्ता से यह सवाल पूछ दिया, इतना सब कुछ था, उन्होंने सफाई दी, वो सब बोलते रहे, मैं चुपचाप सुनता रहा, बस मैंने एक धीरे से उनसे एक सवाल कर दिया कि कपिल सिब्बल साहब वहां पे क्या कर रहे थे, इसी पर भड़क गए।
सवाल ना पूछे, इसीलिए मैंने किया कि अब कोई बेबाकी से सवाल ना पूछे क्या? सवाल देखिए हाँ। सवाल जब निकलेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, सवाल ही जवाब भी बनते हैं। तो हमें लगता है ऐसी ये चीजें अच्छी नहीं है जो पूरा देखा जाए लोकतंत्र को, उसके हमें लग रहा खतरा ही है, ये पूरे देश के लिए खतरा है। आम आदमी अभी जिस तरीके राजवीर जी को मैंने देखा, जितनी मॉब में जब एक इंसान अकेला फंस जाता है तो कैसा चेहरे पे उसके नजर आता है, जो एकदम से डर। तो ये हालात आज बने हुए हैं, तो जैसे अभी बिल्कुल इन हालातों से बहुत खराब है, बहुत कोशिश करना चाहिए, संयम बरतने की जरूरत है। इसी पर एक फाइनल कमेंट की, एक हम लोगों ने अटल का भी युग देखा है, लोहिया जैसे लोगों को सुना है, उनको आत्मसात किया है, वो भाषा वो कटाक्ष भी बड़े बड़े बात वो क्यों दूर होती चले जा रहे हैं, वो प्रतिमान सब अपनी संस्कृति हम भूलते चले जा रहे हैं, राजनीतिक संस्कृति भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कोई पुराने नेताओं की स्पीच नहीं सुनना चाहता, कोई लोकसभा की पुरानी स्पीच को पढ़ना नहीं चाहता। लोकसभा में किताबें वैसी की वैसी लगी रहती हैं, लोहियावाद उसकी किताबें पढ़ी है, उनकी स्पीच सुनी है, उन्हें देखी किस तरह से जवाब देते थे, बस यही कारण है हम अपनी राजनीतिक संस्कृति भूल गए हैं। जी चलिए राजवीर जी एक फाइनल कॉमेंट, सबसे पहले तो अब आप जाइएगा, आज थोड़ा रिलैक्स करिएगा जाकर के और अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन अब अगला शो आपका क्या है वो भी जरा सा टीज बताइए, किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल आलोक जी, देखिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं और ना ही अपने सवालों जो सवाल करते हैं वो सवाल में कोई बदलाव करने वाले हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि जो राजनीतिक दल हैं, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है 2019 का किंग कौन, इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों की नब्ज टटोलें, उनको जाने कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, उनके दिल में आखिर क्या है 2019 को लेकर, ये हम कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जहां तक सवालों की बात है आलोक जी, तो ये बिल्कुल सच है कि जो सवाल हैं वो सवाल हम पूछेंगे और जो चलिए सवाल तो पूछेंगे, और कहते भी है कि हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान होती हैं, इंसान की ख्वाहिशें अगर तूफान होते हैं, और ऐसी ख्वाहिशों को आपने कहीं ना कहीं अंजाम दिया है अपने शो जवाब तो देना के जरिए। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरीके से बेबाकी रूप से पत्रकारिता करते रहें।